मूवी की कहानी की शुरुआत होती है क्रिप्टोन से, जहाँ पर करायल और उसकी माँ खेल रहे होते हैं, सुपर गर्ल और उसकी माँ, और वहीं पर पुराना चूतिया बस शुरू हो जाता है जो कि यह क्रिप्टोन ग्रह तवा। एक कुछ तो नया कर लो यार, ऊपर से आग की गोली बरसते आते। फिर उसके बाद सुपर गर्ल की मदद एस्केप पोर्ट तैयार करती, सभी एस्केप पोर्ट फेल हो गए, सिर्फ एक एस्केप पोर्ट सफल हुआ। उसके बाद हमें ग्रह तबाह होता दिखाई देता, उस एस्केप पोर्ट में सुपर गर्ल को रंगा दिया जाता अर्थ पर। सुपर गर्ल उस ग्रह को और अपनी माँ को देखती है और वहीं पर सुपर गर्ल की मौत हो जाती, नहीं उसकी मुंडी एस्केप पोर्ट से टकरा जाती और वह बेहोश हो जाती। फिर हम देखते हैं अर्थ प्लानेट, जहाँ पर सुपर गर्ल चश्मा लगा के घूमती, वहीं पर वो एक चीज को धक्का मार कर गिरा देती। उसके बाद वहीं पर एक ब्लास्ट होता और वो ब्लास्ट करता सोलोमन ग्रैंडी, बॉर्न वन ए मंडे राइम करता जाता। उसके बाद सुपर गर्ल वहीं पर आ जाती ग्रैंडी को हराने के लिए। फिर उसके बाद सुपर गर्ल को वो ग्रैंडी बहुत ही पीलता, सुपर गर्ल को वहीं पर चपिट चपिट मारने वाला था, पर वहीं पर बैटमैन और सुपरमैन आ जाते हैं। फिर ग्रैंडी सुपरमैन को देखता, मतलब बैटमैन को। फिर उसके बाद सामने सुपरमैन ग्रैंडी पर हमला कर देता और ग्रैंडी को हरा देता। उसके बाद सुपरमैन सुपर गर्ल के पास जाता और हाथ आगे करता, पर सुपर गर्ल कहती है आई एम फाइन। फिर उसके बाद बैटमैन कहता हमें बात करनी चाहिए। फिर सुपरमैन और बैटमैन बात करती और उनके पीछे होती सुपर गर्ल जो सब सुन लेती। बैटमैन कहता है कि सुपर गर्ल हमारे लिए खतरा है। फिर बैटमैन ग्रैंडी का वेपन देखता कि ये उसने नहीं किसी और ने बनाया। उसके बाद वहाँ पर फ्लैश आ जाता और कहता सुपरमैन कहाँ गया। सुपरमैन गया सुपर गर्ल के पास, जहाँ पर वो उसे दिलासा देता। फिर उसके बाद सुपरमैन एक सोनिक बूम करता जो कि एक पोर्टल 31st सेंचुरी का। उसी के बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और 31st सेंचुरी की लीजन ऑफ सुपर हीरोज को देखते हैं। उसके बाद हमें ब्रेनियक का माइंड दिखाई देता जो कि एक एस्केप मतलब पॉड में होता। कितना सुंदर है उसका माइंड। वहीं पर बैटमैन आ जाता और वहीं पर दो लोग कुछ करने के लिए आते हैं, उन्हें वो हरा देता और पूछता तुम कौन। फिर उसके बाद सीन चेंज होता और हमें लीजन ऑफ सुपर हीरोज दिखाई देते हैं, जहाँ पर सुपरमैन और सुपर गर्ल होते हैं। फिर सुपरमैन उन्हें मिलाता है नए सुपर हीरोज से। उसके बाद वो लीजन ऑफ सुपर हीरोज के अंदर जाते ही होते हैं, वहाँ पर सुपर गर्ल को दिखता है ब्रेनियक। सुपर गर्ल वहीं पर उसे पीलने लग जाती और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती। दोनों की फाइट ठीक ठाक थी, सभी लोग वहाँ के कहते हैं फाइट करो। उन दोनों को रोक देता लीजन ऑफ सुपर हीरोज का लीडर, जिसका नाम होता मुझे भी नहीं पता। उन दोनों को बुलाते हैं लीजन ऑफ सुपर हीरोज के हेडक्वार्टर में, उन दोनों के लेते हैं अच्छे से खबर, उन दोनों को दो चार बातें सुनाते हैं। फिर उसके बाद सुपर गर्ल वहाँ से चली जाती और लीजन ऑफ सुपर हीरोज कुछ लोगों से मिलती जो कि झंडू सुपर हीरोज होते हैं। एक होता बांसी जो सुपर गर्ल की लेना चाहता है खबर। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रेनियक 5 और सुपर गर्ल को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रेनियक कहता यू आर डम और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ट्रिपलेट गर्ल के पास कुछ लोग आते हैं जो उसे मारने के लिए आते हैं और उसे मारने में कामयाब भी हो पाते हैं। फिर लीजियन ऑफ सुपर हीरोज पीलने लग जाते हैं ब्रेनियक को, वो सबके घेरे में होता ट्रिपलेट गर्ल को मारने के लिए, और वहीं पर सुपर गर्ल कहती शायद उसने नहीं मारा। फिर उसके बाद सुपर गर्ल ब्रेनियक 5 को बचाने के लिए जाती है, उसे कैद कर दिया जाता है। फिर सुपर गर्ल उसे बचाने जाती है। जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। इसी के साथ एक इंट्रो तो बनता रस के बाद ब्रेनियक 5 सुपर गर्ल और एक और झंडू सुपरमैन होता है। तीनों मिलकर एक वॉल्ट को खोलते जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में होता है। सुपर गर्ल कुछ रोबोटों को तोड़ती है और वो सब कहते हैं वी डिड इट, हमने कर दिखाया। उसके बाद वो झंडू सुपरमैन सुपर गर्ल पर क्रिप्टोनाइट से हमला करता और सुपर गर्ल को वहीं पर ढेर कर देता। ना, मेन कैरेक्टर ऐसे नहीं मरेगी, यानी कि झंडू सुपरमैन उन सबको धोखा दे देता। झंडू सुपरमैन होता डार्क सर्कल के साथ। फिर वो ब्रेनियक को उठाता और नीचे पटक देता। फिर हमें पता चलता है लीजियन ऑफ सुपर हीरोज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, सभी लीजियन ऑफ सुपर हीरोज फाइट कर रहे हैं और अगले ही सेकंड वो सभी हार जाते हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर को साइन करना ना। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता उन सभी का लीडर जो कि होता है ब्रेनियक पहला वाला, और उसके पीछे लगे होते हैं 10-12 ब्रेनियक, मतलब सभी उसने सभी ब्रेनियकों को कंज्यूम कर लिया और वो सभी ब्रेनियक चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। वो ब्रेनियक सामने होता है सुपर गर्ल और ब्रेनियक 5 के, और वहाँ पर ब्रेनियक 5 एक सोनिक बूम करता है और गायब हो जाता है और ब्रेनियक 5 और सुपर गर्ल बहुत दूर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर एक चम्मा चाटी का सीन बनता है जो कि हो नहीं पाता क्योंकि उसे इनविजी नहीं ट्रिपलेट गर्ल खींच लेती है। फिर वो दोनों सामने होते हैं कुछ बचे हुए सुपर हीरोज के जो कि पूरी तरह से झंडू सुपर हैं। फिर वो सभी प्लान बनाते हैं ब्रेनियक को हराने के लिए,
और वो भी एक झंडू प्लान होने वाला। फिर उसके बाद सुपर गर्ल और ब्रेनियक 5 जाते हैं ब्रेनियक के पास। यहाँ पर ब्रेनियक कुछ कर रहा होता है, वो एक साउंड वेव निकालता है, सुपर गर्ल और ब्रेनियक 5 को गिरा देता है। और फिर होता है ब्रेनियक का चोचलस, जहाँ पर ब्रेनियक एक दूसरे को पिलने में लगे होते हैं, क्योंकि वो सभी ब्रेनियक कमांड चाहते हैं कि हम ही लीडर बने, और वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। इससे चूतिया ब्रेनियक मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसके बाद सुपर गर्ल उस कंप्यूटर को बंद करने जाती, और फिर बीच में एक बैक स्टोर पिल दी जाती जिसके कारण उसे और भी ताकत मिल जाती। फिर वो उस कंप्यूटर को शट डाउन कर देती। फिर उसके बाद वो ब्रेनियक 5 से गले मिलती। फिर हमें दिखाई देती हैं लीजियन ऑफ सुपर हीरो कुछ झंडू सुपर हीरोज, जिन्होंने सभी विलन्स को हरा दिया। फिर बचे हुए कुछ विलन्स भागना चाहते हैं। फिर हमारे झंडू सुपर हीरोज कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे। उसके बाद हमारे झंडू सुपरमैन भागता है, पर वहीं पर आ जाती सुपर गर्ल। इन दोनों की होने लगती है फाइट, दोनों हवा में जाकर फाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पिल्ले में लगे होते हैं। फिर सुपर गर्ल उस पर भारी पड़ती है। फिर झंडू सुपरमैन कहता है तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। फिर सुपर गर्ल कहती नहीं और उस झंडू सुपरमैन को हरा देती। फिर उसके बाद ब्रेनियक और सुपर गर्ल का चुम्मा चाटी शुरू। उसके बाद सभी सुपर हीरोज आ जाते हैं लीजियन ऑफ सुपर हीरोज के। हम देखते हैं बहुत सारे सुपर हीरोज को, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती। इसी की तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।